नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास कार्यक्रम गंगा किनारे वाला रिपोर्टर। पर इस समय हम गंगा के किनारे से होते हुए पहुंचे हैं वरुणा नदी के तट पर। वो इसलिए कि हम जहां हैं इसे वाराणसी कहते हैं, यानी कि वरुणा नदी से अस्सी नदी के बीच के जो इलाके हैं उसी पर बसा हुआ यह शहर है जो दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। दरअसल वाराणसी इसका नाम इसलिए है क्योंकि वरुणा नदी से लेकर के अस्सी नदी के बीच में ये शहर बसा हुआ है। तो चलिए, हमारे साथ इस खास शो में हम जानते हैं आम लोगों से कि वो इस आम चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और इन्होंने पिछले एक दशक में क्या कुछ बदलाव महसूस किया है। वरुणा से अस्सी तक के इस सफर में हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। भाई साहब, आप तो बनारस के रहने वाले हैं, बनारस में पिछले एक दशक में क्या कुछ बदला है, क्या दिखता है, वरुणा से अस्सी तक क्या कुछ हुआ है? बहुत काम हुआ है मोदी जी के राज में। जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने तब से बहुत काम हुआ है। काम नजर आता है? बहुत। क्या दिखता है भाई साहब आपको, क्या नजर आता है? दिखता है, देख रहे हैं आप, पूरा इधर का माहौल, इधर पूरा गाड़ी डोर बना है, टूरिस्ट बढ़े हैं, टूरिस्ट आते, लोगों का काम बढ़ा है और उससे बनारसी साड़ी को भी फ़ायदा हुआ। बहुत से दुकानें नई नई खुली हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इस एरिया में पूरा बनारस में काड़ी डोर के वजह से लोगों का काम बढ़ा है और लोग काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या दिखाई देता है पहले का बनारस और अब का बनारस, वरुणा से अस्सी वाराणसी में क्या बदलाव हुआ? बहुत का परिवर्तन भैया है। जब हमारे मोदी जी यहाँ आए हैं बहुत परिवर्तन भैया है। बनारस एकदम किंग हो गया है और बहुत ही कार्य भैया है उनके रहने पर। सारी व्यवस्था कॉरिडोर बना, सारी व्यवस्था अच्छी है सुचारू रूप से, यहाँ की सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले बहुत कटती रही, अब बिजली नहीं कटती। पहले बहुत कटती थी, अब क्या हाल? एक घंटा आठ घंटा पच्चीस अब दो घंटा बिजली मिलती है। भाई साहब, मोबाइल तो स्मार्ट चला रहे हैं आप, बनारस स्मार्ट हुआ दिखता है? बहुत हद तक हुआ स्मार्ट भैया। हम लोग का जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस और बहुत सारे बड़ा बड़ा जो रोड आता है बनारस से, बहुत सारा रोड जुड़ा, बिजली की व्यवस्था जुड़ी, पानी अच्छा है, कई लाख घरों में पानी की व्यवस्था मोदी जी दिए, रोड सड़क हर पक्के महल की गलियां, आप गली भी देखिए, गली भी पूरा एकदम स्मार्ट सिटी के तहत पूरा बनाया गया और दीवार वगैरह पे पूरा पेंटिंग वगैरह, लोग बाहर से आते तो खिंचवाते फ़ोटो, शूटिंग करवाते हैं यहाँ पे। पहले नहीं था सर? पहले ऐसा कुछ नहीं था। भाई साहब, ये बताइए कि कहा जाता है कि बनारस में बदलाव हुआ है, लगातार जो विपक्ष है ये वो मुद्दा उठाता है कि आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव हुआ है, क्या दिखता है आपका, आपका जीवन कितना बदला? जीवन में का बदलाव तो ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर खूब बढ़े हैं। पहले जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से टूरिस्ट बहुत आने लग गए हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार खूब मिला है। और 10 साल बाद का ये बनारस, यहाँ के आने वाले लोगों से पूछिए 10 साल पहले बनारस कैसा था, अब बनारस कैसा है, ये बताइए कैसे? जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पहले तारों का जाल बिछा होता था, वो अब एकदम खत्म हो गया, टोटल वायर यहाँ की अंडरग्राउंड हो गई है। ये बताइए कि वरुणा से अस्सी जो वाराणसी, दुनिया का सबसे पुराना शहर, रोम से भी पुराना, पिछले 10 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि बड़ी चर्चा हो रही है? भैया बहुत कुछ हुआ, आसमान लीजिए आपके बार 400 पार, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे कितना काम हुए होंगे बनारस में। कार्यकर्ता हैं बीजेपी? कार्यकर्ता नहीं है, दिल से हम लोग मोदी जी के साथ हैं। तब भी आप कह रहे हैं 400 पार मोदी जी? क्यों, काम के नाम पे कि नाम? नाम पर। आज इतना काम मोदी जी के राज में हो गया है, हमको तो नहीं लगा किसी और के सरकार में इतना काम हुआ होगा। हर आदमी सुखी है, अर्थव्यवस्था सुखी है, पब्लिक सुखी है, और क्या चाहिए। लगातार हम अपने सफर को जारी किए हुए हैं वरुणा से 80 तक के इस सफर में, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ यूथ हमारे साथ हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बॉडी बिल्डिंग करके अपनी बॉडी बनाई है, बनारस में भी वैसा बॉडी बिल्डिंग हुआ है कि बनारस शहर बदला है? एकदम बदला भैया, तभी तो आज इंडिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है बनारस को लेकर। क्या नज़र आता है आपका, पहले क्या था अभी क्या है? पहले इतना मतलब एक तरीके से इतना बनारस था, लेकिन एक कॉरिडोर बनने से, सब कुछ बनने से टूरिज़्म का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। टूरिज़्म को लेके काफ़ी मतलब बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल से आ रहे हैं। आपका जीवन कितना बदला है? मेरा भी काफ़ी मतलब ओवरऑल सभी का बदल रहा है।
क्या लगता है भाई साहब आपको, बनारस की बात होती है, कहते हैं बड़ा विकास हो गया यहाँ पर, बड़ी बदलाव हो गया, विपक्ष कहता है कि मार्केटिंग हुआ है। नहीं, बिना मार्केटिंग के तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मार्केटिंग भी हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तभी ना मार्केटिंग हो पा रहा है। आज आप पूछ रहे थे कि वरुणा से 80 में क्या बदलाव हुआ है। आप वरुणा से 80 में जाइए, रोडें इतनी चौड़ी हो गई हैं। आप वरुणा से 80 में जाइए, स्ट्रीट लाइट लग गई है। आप वरुणा से 80 जाइए तो जो घाट हैं वो बदलाव हुए हैं। तो इतने सारे बदलाव तो जो हम देख रहे हैं वो हो रहे हैं। आप वरुणा से 80 जाइए, आपको इतने टूरिस्ट मिल रहे हैं कि जो हमारे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, वो हमारे बनारस शहर को देखने आ रहे हैं। हमारे बनारस में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो गोवा को सब फेल कर दिए। मतलब बनारस में इतने फुटफॉल हो रहे हैं कि लोगों के व्यापार डेवलप हो गए हैं। जिनके पास कोई रोजगार नहीं था वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिए। मोदी जी कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनो तो नौकरी दो, तो आज सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए हैं। बनारस की साड़ियाँ फेमस हो गई हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि पकौड़ी तलवा रहे हैं लोगों से, तो उससे पेट भी तो भर रहा है टूरिस्ट का। अगर वो करवा रहे हो तो उनका टूरिस्ट का पेट भी भर रहा है, तो ये सब भी तो जरूरी है करना। बनारस की गली में एक खास है कि ये शहर जितना जीवित लोगों के लिए है उतना ही मुर्दों के लिए है, क्योंकि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल हम लौटते हैं अपने फिर उसी विषय पर कि वरुणा के से 80 तक वाराणसी में कितना बदलाव हुआ इस वरुणा नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे बसने वाले इस शहर में। देखिए, मेरा एक सिंपल सा कहना है कि एक मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के बेसिस पे मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। उन्होंने एक सोच बना दी है कि अगर व्यापार करना है तो अच्छे से करो, कोई भी दो नंबर वाला काम मत करो, जो काम करो सीधा काम करो, आपको मुनाफा आएगा। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मध्य व्यापारी, सबको फ़ायदा हो रहा है। टूरिज़्म इतना बढ़ गया है कि हर देश से लोग आ रहे हैं अब यहाँ पे। उसके अलावा साड़ी का बिज़नेस, ड्राइवर का बिज़नेस, आम आदमी, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ कहीं ना कहीं मोदी जी ने इतना इन्होंने काम दिखाया है, लोगों की सोच बनाई है, तो डेफिनेटली ये अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। लगातार लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बनारस में बदलाव हुआ है। अब देखिए, ये जो गलियां हैं, जो लोग बताते थे कि पहले ये पक्की नहीं हुआ करती थी, भाई साहब क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है आपको, क्या बदला है? अरे कुछ दिखता है, यहाँ बैठे हुए हैं, दुकान वकान लगाए हुए हैं, कुछ बदलाव उदला क्या सब ऐसा ही है? आपको बदलाए तो बदलाव देखने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। हम तो जाएंगे, आप बताइए। आप वरुणा से 80 घूम रहे हैं, आपको कितना बदलाव दिखा? हम तो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, मगर आप यहाँ रहते हैं, अब आप तो यहाँ वोटर हैं, आप बताएंगे बदले कि नहीं बदले? हम तो पहली बार भी आए, कई बार आए हैं, तो एक बार और आइए तो विकास आपको दिखेगा। आपको दिखता है? एकदम दिखता है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो बिक रहे हैं इस समय, कौन बिक रहा? बिकेगा, बिकने वाले बिकेंगे कि हम बिकेंगे? क्या दिख रहा है चुनाव में इस बार? दिखेगा, जो परिणाम होगा आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा। आपने गुप्त रखे हुए हैं, चलिए अच्छी बात है। तो ये बनारस है जहाँ पर कहा जाता है कि बनारस जो है वो गंगा के किनारे, वरुणा के किनारे और गलियों में बसने वाला एक अद्भुत और अलौकिक शहर है। दरअसल इसलिए इस बारे में बात होती है कि आप देखिए, भले ही बनारस में जगह कम हो पर जिंदगी जो है वो यहाँ पर जीवन सी नज़र आती है। गलियों में बसा ये शहर किस तरीके से आज भी अपनी संस्कृति और अपने पूरे धरोहर को समेटा हुआ है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। भाई साहब, बात की जाती है बनारस की, कहते हैं कि बहुत बदलाव हो गया, पहले तो ऐसा था नहीं। सच में ऐसा हुआ कि सिर्फ बातें हैं? नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं भाई साहब। बनारस में बहुत स्तर पे बहुत तरीके के बदलाव हुए हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर हो, चाहे यहाँ घाटों की सफाई हो, चाहे लोगों की सोच में फ़र्क हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे जन सुविधाओं के बारे में चीज़ें हो, नए नए प्रोजेक्ट्स हैं। आज बनारस में रोपवे का प्रोजेक्ट आ रहा है, पूरी दुनिया में संभवतः दूसरा या तीसरा शहर होगा जहाँ पे सिटी ट्रांजिट के लिए रोपवे बन रहा है। ये बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं। बनारस के स्टेशनों का स्वरूप आज आप देख लीजिए, गंगा नदी की स्वच्छता की आप बात कर लीजिए, बहुत से बदलाव हुए हैं। और हज़ारों वर्षों में जो चीज़ें धीरे धीरे करके ख़राब हुई हैं उनको ठीक करने में कुछ वर्षों का समय और लग सकता है, लेकिन बनारस की जनता इस चीज़ को महसूस करती है कि यहाँ पर बदलाव हुए हैं। और निश्चित ही मोदी जी के प्रयासों से और बाबा काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से बदलाव आगे भी होते रहेंगे। चलिए, एक हमारे साथ ऐसे सज्जन हैं जिनके बाल पक चुके हैं, यानी कि बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस चुनाव में इस बार अंतर क्या दिखता है आपको? मोदी जी आज बस यही अंतर दिखता है। क्यों? मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे तो आना ही चाहिए। कहा जाता है कि आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव हुआ सबसे बड़ी बात है, क्या बदलाव हुआ? सब क्राइम खत्म होगा सबसे बड़ी बात, तो सब सुख की नींद सोता है। आप बताइए भाई साहब, क्या दिखता है इस बार आपको
इस बनारस में कहा जाता है कि बनारस में जो है इस बार चर्चा आम है कि बनारस जो है विकास के घोड़े पर सवार है। सच में ऐसा है कि सिर्फ कागजी है? निश्चित भैया, बनारस के जितना विकास मुझे नहीं लगता है कहीं और भी हुआ है, क्योंकि हर जगह आपको पहले से गंदगी बहुत कम लगेगी और कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ का व्यापार बहुत बढ़ गया, हर एक चीज़ है भैया यहाँ पे। तो बनारस में हम लगातार वरुणा से 80 तक का ये सफ़र जारी रखे हुए हैं और लोगों से लगातार ये जान रहे हैं कि आखिर बनारस कितना बदला है और पिछले एक दशक में क्या कुछ हुआ है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हम आपको वरुणा से 80 तक के इस सफ़र में आगे लेकर चलते हैं। वरुणा से 80 तक के इस सफ़र में हम वरुणा नदी के किनारे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वरुणा से 80, जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर क्या बदलाव उन्हें पिछले एक दशक में दिखाई दिया है और इस आम चुनाव को लेकर उनके दिल में क्या है। बात करते हैं महिलाओं से, पहले ये बताइए कि 10 सालों में किस तरीके का बनारस आपको दिखा है वरुणा से 80 के नदी के बीच में, और वरुणा के किनारे आप लोग रहते हैं, क्या नज़र आता है? अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग तो मतलब सब चीज़ है ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा मोदी जो बैठे हैं सरकार, उनको थोड़ा परिवार में जैसे कोई जो पढ़ा लिखा है उनको थोड़ा नौकरी वोकरी दे, रोजगार की बात, रोजगार की बात है, घर द्वार मिला है लेकिन रोजगार नहीं मिला है। क्या दिखता है आपको पिछले 10 सालों में किस तरीके का दिखाई दिया है वरुणा नदी के आसपास और वरुणा के किनारे रहने वाले लोगों में, कितना बदलाव आया है? क्या बदलाव आया है, ये सीढ़ी बना है और क्या बदलाव आया, कुछ नहीं। रोजगार बच्चे लोग को मिल ही नहीं रहा है, घर बैठे हैं सब लोग, और क्या मिलेगा, और क्या मिला है सरकार की तरफ से, ये राशन पता ही मिल रहा है, खा रहे हैं और क्या। क्या उम्मीद करते हैं इस आम चुनाव से आप लोग? क्या उम्मीद करेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा आगे, यही उम्मीद। कुछ यूथ है उनसे बात कर लेते हैं, क्या दिखता है आपको वरुणा नदी के किनारे आप लोग रहते हैं, क्या बदलाव आया है पिछले 10 सालों में? 10 सालों में हमारे मोदी जी जो हैं नदी का सफाई और कॉरिडोर ये घाट बनवाए हैं और जनता को 10 सालों में फ्री राशन दे रहे हैं और आवास योजना आवास दे रहे हैं, जिसको घर रहने के नहीं है उसको घर दे रहे हैं। लेकिन एक सुझाव मैं दूंगा मोदी जी को, युवाओं को नौकरी दें, क्योंकि युवा इतने पढ़ने लिखने के बाद भी इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या दिखता है आपको वरुणा नदी के किनारे बसा ये बनारस, जिसे वरुणा और 80 नदी के बीच में वाराणसी कहा जाता है, कितना कुछ बदला 10 सालों में, क्या कुछ हुआ है? अगर कहा जाए कि 10 साल के अंदर क्या यहाँ बदला हुआ है तो देखने में आपको समझ में नहीं आएगा, पर हर लोग यही चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ जगह पर रहें, साफ जगह पर रहें, और हम लोग का जो कि रहने का ढंग और चरित्र राजनीति में बदलाव हो, तो ये हमारे मोदी जी किए हैं। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है पिछले 10 सालों में आप वरुणा नदी के किनारे रहने वाले ये लोग हैं और इसी वरुणा और 80 के बीच में ये शहर है, क्या दिखाई देता है, कितना बदलाव आया है? बदलाव तो सर बहुत है, हर चीज बदलाव हो रहा है, खाली वरुणा नदी साफ नहीं हो पा रहा है, सब बदलाव है लेकिन वरुणा नदी साफ नहीं हो पा रहा है। आप लोग वरुणा नदी को साफ दिखना चाहते हैं, इसको बहाव देखना चाहते हैं, बहाव इसका रहे। पिछले 10 साल को अगर देखा जाए और 10 साल से पहले देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोग? पहले बहाव होता था तो बहाव होता था साफ रहता था पानी, अब इसको लॉक कर दिया गया है कि बहाव नहीं है, तो बहाव नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, मच्छर वच्छर होता है, जिससे बीमारियाँ बहुत फैल रही है यहाँ पे। मेन यही है कि बस वरुणा नदी को बहाव बनाया जाए कि साफ सुथरा रहे। तो वरुणा नदी के किनारे रहने वाले ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से 10 साल में ये बदलाव देखते हैं, पर उनका ये भी मानना है कि अभी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या दिखाई देता है चाची आपको कि क्या कुछ बदला है वरुणा नदी के किनारे आप लोग? कुछ ना बदल है, कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, खाली हुआ रेलिंग डाल दे हुए, सड़क निकाल दे हुआ, नदी में हम लोग खाए कमाए के, नदी वाला हम लोग मला है, हम लोग का रोजी रोटी बंद है।